तो दोस्तों लग चुकी है थकान और अब हम पहुंच चुके हैं सेवन स्टोन। तो पहले हमारा था कि पहले रानी झील जाएंगे, लेकिन पास में उसके पहले सेवन स्टोन था, मतलब वहीं पे चौबटिया वाली रोड पे। तो जहाँ पे हम एप्पल गार्डन के लिए हमने लेफ्ट लिया, तो वहाँ से जो ऊपर है राइट, जहाँ पे हम राम मंदिर के लिए मुड़े थे, तो वही वाली रोड है, सीधा उसमें चलना है, कहीं नहीं मुड़ना। और आगे जाके आपको मिल जाएगा एक बुग्याल, वो मैं अभी आपको बाहर से उतर के दिखाता हूँ। तो वो है सेवन, क्या है, सेवन स्टोन फॉरेस्टा सेवन स्टोन ना, फॉरेस्टा सेवन स्टोन। तो यहाँ पे एक कैफे है, बाकी देखते हैं और क्या है, उतर के आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों देखिए, ऐसा कुछ मैदान है, बुग्याल तो नहीं कह सकते क्योंकि बुग्याल बहुत हरा भरा घास का बहुत प्यारा मैदान होता है, तो हो सकता है इसके पीछे कुछ हो। तो यहाँ से मेरा मन और था टाइम लैप्स लेने का, लेकिन मैं ट्राईपॉड लाना भूल गया, तो मैंने अंकिता को भेजा गाड़ी तक, क्योंकि थोड़ा सा दूर थी और मेरा मन नहीं हो रहा था। तो अभी काफ़ी चल चुके हैं, तो मैंने कहा बस यहाँ पे थोड़ा धूप सेकते हैं, और ये आ रहा है मेरा ट्राईपॉड। जल्दी भाग क्या, दौड़ क्या, जल्दी 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 जल्दी। I just had to change my point of view. Everything old somehow becomes brand new. तो दोस्तों काफ़ी देर ऊपर बैठ गए हम, और यहाँ पे मैंने टाइम लैप्स लिया, तो उम्मीद कर रहा हूँ टाइम लैप्स आपको अच्छा लगा होगा। और अभी नीचे जा रहे हैं सेवन स्टोन की तरफ, जो जहाँ पे पत्थर रखे हैं, अब वो देखते हैं कितने पत्थर रखे हैं, सात पत्थर रखे हैं या कैसा पत्थर रखे हैं। हवाएँ चल रही है तेज। तो दोस्तों ये आ गए सेवन स्टोन, अभी पत्थर हैं, सात पत्थर हैं, काउंट कर लेते हैं। चल उसके पीछे खड़े हो जाओ तो वीडियो बनाएगी। नहीं, यहाँ पीछे यार, अरे रुको तो यहाँ से पीछे। नहीं, कहीं नहीं जाना है। क्यों ना। थोड़ा सा ना। तो देखिए दोस्तों यहाँ से कितनी ऊंचाई में हम, और खूबसूरत रानीखेत का नज़ारा। और तो देखिए दोस्तों, ये पत्थर का पूरा शेप है कछुए जैसा, देखिए सामने आपको दिख रहा होगा, जो कछुए की पीठ का आकार, और सामने से दिखाता हूँ मैं आपको। कछुआ के आकार का पत्थर, तो यहीं पे होंगे सात पत्थर, यहाँ यहाँ या यहाँ इधर। वहाँ क्यों जा रही है, मुझे मना कर रही है, खुद चली जा रही है। दोस्तों अब हम आ गए हैं सेवन स्टोन देख के, तो समय हो गया है शाम के 5, और अब हम आज की आखिरी डेस्टिनेशन में जा रहे हैं, वो है रानी झील। तो चलिए वहाँ पर जाते हैं और देखते हैं वहाँ पे क्या। मैं पहली बार जाऊँगा तो मुझे अभी आइडिया नहीं है, तो मैं आपको पहले से नहीं बता सकता वहाँ पे क्या। झील है और झील में शायद बोटिंग वोटिंग होती होगी, बाकी वहाँ जाके आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों पहुँच गए हम रानी झील, यहाँ से अंदर वो सारा बंद करके खोल खाल लिया। रानी झील में आपका स्वागत। एक चक्कर क्यों यार, एक चक्कर अच्छा खुद से करेंगे ना। प्रत्येक मंगलवार को बंद रहता है। अच्छा क्या है, कैसे हो? तो दोस्तों रानी झील में भी बोटिंग वोटिंग तो बंद है, क्योंकि टेंडर पास होते हैं, वो भी हुए नहीं है। और यहाँ पे देखिए मछलियाँ, बड़ी सी प्यारी सी मछलियाँ, मच्छी मेढक। तो दोस्तों एक छोटी सी जिप लाइन है, मैं तो इसको नहीं कर रहा क्योंकि मैंने बड़ी बड़ी भी करी है, तो बहुत छोटी सी है, तो इसको मैं अंकिता को कह रहा हूँ ये कर ले, इसने अभी तक करी नहीं है एक्टिविटी ऐसी कुछ। और यहाँ पे बोटिंग का एक चक्कर का कितना था, 100 रुपीज़ था, और शायद 4 लोग बैठेंगे तो 150, और बाकी सारी एक्टिविटी 150 रुपये की है, बिना टिकट एक्टिविटी करने 500 का जुर्माना। दोस्तों अब हम यहाँ से चढ़ेंगे, आ जा। और अंकिता थोड़ी सी डरी हुई है, यहाँ पे भैया आएंगे अब वो मुझे उतार देंगे। अभी यहाँ इतनी हाइट से
मुझे डर लग रहा है यहाँ से वहाँ जाएगी। नहीं करना होता, सब ये करेंगे बस। खाली बस ये पहनना है और बस कुछ नहीं करना है, तो बैठा देंगे। अच्छा पूरा कवर करेंगे, ये सलवार सूट के लिए है ना बेल्ट। अच्छा बाकी जो जीन्स है उसमें आते हैं, हर किसी के लिए अलग अलग है। जाऊँ मैं? चलो ठीक। वीडियो को डर, मुझे डर लग रहा है, उसको कुछ भी हो रहा है, मुझे अपने घर जाना है। But he's always gone. Hey, yeah, yeah. इतना सा तो था, उतने में तूने इतना डर पैदा कर लिया। तुझे लगता है ना फर्स्ट टाइम था। चप्पल क्यों खोलिया? अरे मुझे डर लगा भैया कि वो मैं उतार ना दूँ। गए तो दोस्तों अभी एक छोटी सी एक्टिविटी करी, बाकी बोटिंग अलाउड नहीं, वरना बोटिंग करते मज़ा आता। और अब बस रानी झील के चक्कर लगा, काफ़ी अच्छा लगा, साफ़ सुथरा है, बहुत नीट एंड क्लीन, टॉयलेट भी है और डस्टबिन बना रखे हैं हर जगह, तो बहुत बढ़िया है। तो दोस्तों एक एक्टिविटी है बर्मा ब्रिज, मतलब इसके ऊपर चल के जाना है। तो ये देखो यहाँ यहाँ इसको क्रॉस करना है। तो ये बच्चों के लिए ये भी एक्टिविटी, सारी एक्टिविटी लगभग बच्चों के लिए। बोटिंग मतलब बड़े लोग कर सकते हैं, छोटा सा एरिया झील का, छोटा सा है लेकिन बहुत प्यारा है, अच्छा है। और ये बैठने के बहुत अच्छे बना रखे। रानी खेत में एक चीज़ अच्छी लगी, हर जगह थोड़ी थोड़ी जगह में, थोड़े थोड़े डिस्टेंस में ये बैठने के बहुत बढ़िया बना रखे हैं शेड। I can hear myself now. Riding in a new LX on the hunt to kill Bill and a new suspect. Yeah, he was real suspect, so I had to keep an eye out to see what's next. Pissing me off. Remember when you said get your Christian Dior? Said the mink had to sag down to the floor. तो दोस्तों यहाँ पे हम वीडियोग्राफी कर रहे थे, कुछ फोटो वोटो खींच रहे थे और कुछ स्लो मोशन बना रहे थे। तो वहीं पे आ गया कि 6 बजे भैया गेट बंद हो जाएगा। यार इतने दूर से लोग आ रहे, थोड़ा देर खोल देना चाहिए। अब क्या करें, अब किसको समझाएं दोस्तों, कब तक समझाएं? अब आप ही लोग कमेंट करके समझा सकते हैं। और एक ये देखिए, ये भी कुछ एक्टिविटी है, सब बच्चों के लिए है। रस्सी और अरे टोपी सी कुछ है, बच्चे नीचे से चढ़ेंगे ऊपर तक और बस ऊपर से दूसरी तरफ से आ जाएंगे। तो दोस्तों रानी झील से वापस जाते हुए, और ये देखिए यहाँ पे काफ़ी फोटोग्राफी हो रही है, बहुत बढ़िया लिखा है रानी खेत। तो बहुत अच्छा है, मतलब छोटी सी झील है, प्यारी सी लेकिन अच्छी है। और अगर नहीं आए घूमने तो ज़रूर आइए। और अब इस रूट से वापस नहीं जाएंगे, आगे कोई निकलेंगे, मार्केट में मिलेगी। A few inches later. भैया मैन्युअली आना। दोस्तों अभी हमने ऑर्डर कर लिया, एक बर्गर ऑर्डर किया है बिना टिक्की के, उसमें सिर्फ सब्जियां पड़ेगी। और लेकिन अंकिता के लिए नॉर्मल बर्गर ऑर्डर किया, और एक मैंने अपने लिए किया सूप ऑर्डर, तो उसमें भी बोला कि तेल मत डालना, कॉटन सोर सूप किया है। तो देखते हैं कैसा रहता है टेस्ट, और आपको भी हम दिखा रहे हैं कि ट्रिप में हेल्दी खाना आप कैसे खा सकते हैं, और देखते हैं मेरा कितना मन लगता है। क्योंकि अभी मेरा मन हल्का हल्का डोल रहा है, मतलब 5-7% डोल रहा है, उतना ज़्यादा नहीं डोल रहा है। तो देखते हैं कितने दिन बाद वो मन दोबारा डोलने लग जाता है। ये बाहर का खाना हम स्टार्ट कर देते हैं खाना। तो ये आ गया हमारे लिए पानी, जो बहुत ज़रूरी है, वो हम पियेंगे। दोस्तों ये मेरा सैंडविच आ गया है, प्याज टमाटर वाला, और ये आया अंकित चीज़ स्लाइस वाला। इसको पैक करा लेना, नहीं खा पाएगी तो मैं पैक करवा लेती हूँ, मुझसे नहीं खाया जाएगा ये। है तो पैक करवा लेना, फिर घर में खाएगी, खाना तो पड़ेगा ही ना, ये थोड़ी वेस्ट कर देगी। तो दोस्तों अब आ गया है मेरा सूप, इसको पियेंगे। और सारी चीज़ें हेल्दी है, देखिए बर्गर में भी आपको कुछ चीज़ें नहीं दिखेगी। ये देखो प्याज टमाटर खीरा यही चीज़ें बस, और ये है नॉर्मल वैसा वाला, और ये है हल्दी सूप, ये देखिए। तो दोस्तों अब डूलिया पहाड़ी से भी ऊपर आ गए, और शाम के बच्चों के 7:30, मतलब 5 मिनट रह गए, 7:25, और ये देखिए रानीखेत का नज़ारा रात का, और वहाँ से सामने का व्यू बहुत बढ़िया आ रहा था, तो मैंने उसकी फ़ोटोग्राफ्स लिए कुछ।
और अब ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है तेजी से, और मैंने तो जैकेट पहन ली है और बहुत ठंडा हो रहा है। और अब सीधा चलते हैं घर, और अब आपसे कल करेंगे मुलाकात। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नई वीडियो में फिर से करेंगे आपके साथ मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके बाय, गुड नाइट।